क्या शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा था? रैपर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। हाल ही में यो हनी सिंह का नया एल्बम ग्लोरी आया है, उसके प्रमोशन के लिए हनी सिंह लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो द लल्लन टॉप के प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज रूम में बतौर गेस्ट भी शरीक हुए थे। यहाँ उन्होंने अपनी लाइफ, करियर और गानों पर बात की। हनी सिंह को लेकर एक खबर उड़ती रही है कि चेन्नई एक्सप्रेस के बाद वो शाहरुख खान के साथ स्लैम टूर पर गए थे। वहाँ किसी बात पर शाहरुख उनसे नाराज हो गए और उन्हें थप्पड़ मार दिया। अब हनी ने इस बारे में बात की। हनी से जब इस घटना का सच पूछा गया तो उनका कहना था कि आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने हनी सिंह पर फेमस नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आगे सौरभ ने पूछा कि क्या शाहरुख ने प्यार से थप्पड़ मारा था कि भाई सुधर जा। इस पर हनी सिंह ने बताया कि उसके बाद हनी से पूछा गया कि क्या ये खबर किसी पीआर गेम की वजह से उड़ी थी। हनी ने इसका जवाब दिया। हनी सिंह ने इसी बातचीत में बताया कि शाहरुख को उनका गाना चार बोतल वोडका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उनका कहना था कि लोग हनी सिंह को गालियां देंगे, लेकिन हनी यही गाना बनाना चाहते थे। ये गाना उन्होंने रागिनी MMS 2 के लिए बनाया था।